भारतीय वायुसेना का एक सूर्य किरण प्रशिक्षण विमान गुरुवार को कर्नाटक के चामराजनगर के मकाली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक महिला पायलट समेत तो दोनों पायलट सुरक्षित हैं। IAF अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये विमान एक खुले मैदान में क्रैश हुआ है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि तेजपाल और भूमिका को मामूली चोटें आई हैं, इसमें किसी की भी जान नहीं गई। जिले के वरिष्ठ अधिकारी और वायुसेना का एक दल मौके पर पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। लड़ाकू विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब ये नियमित प्रशिक्षण उड़ान भर रहा था। इस हादसे में पायलट बाल बाल बच गया और उन्हें मामूली चोटें आई थी। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच शुरू की गई थी। इस दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद भारतीय वायुसेना ने सोवियत मूल के इस विमान के पुराने बेड़ों को ग्राउंडेड करने का फैसला किया था। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।